सीना मुहम्मद मुबारक वसल्लम व बनातिना फि दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाब अन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तल वहाब हमारी कलाओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, हमें अपने इश्क की आतिश अता फरमा, अपने जो गुनाह दिन में किए माफ़ फरमा, जो रातों में किए माफ़ फरमा, जो महफिलों में किए माफ़ फरमा, जो गुनाह तन्हाइयों में किए माफ़ फरमा, कहते हैं अल्लाह हमें अपनी रजा नसीब फरमा, अल्लाह हमें अपनी रजा नसीब फरमा, अल्लाह हमसे राजी हो जाइए। प्यारे अल्लाह अगर आप हमसे राजी ना हुए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी भी तबाह, आखरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह करम वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह अगर आपने हमें माफ़ न किया, शैतान खुश हो जाएगा, अच्छा हो गया कि इन लोगों को माफ़ी न मिली। अल्लाह वो तो आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। अल्लाह उसको खुश होने का मौका न दीजिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाइए और उस शैतान को जलील और ख्वार कर दीजिए। अल्लाह करम वाले मामले फरमा। अल्लाह हमारा हाल तो उस चरवाहे की तरह है जिसने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा फिर अल्लाहुम्मा फिर अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा। फइन्नका ला तग़फिर फ़ग़फिर, अगर आपने मगफिरत नहीं करनी तो फिर भी मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अल्लाह एक माफ़ी ही ऑप्शन है। अल्लाह हम तौबा कर रहे हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अल्लाह हम मानते हैं कि हमने जानबूझकर इल्म और इरादे के साथ या बगैर इल्म और इरादे के बहुत सारे गुनाह करके आपको नाराज कर दिया। अल्लाह आज एहसास हुआ, अल्लाह आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर दीजिए ना। अल्लाह आप तो बहुत प्यारे रब करीम हैं, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आप तो माफ़ करके खुश होने वाली जात हैं, अल्लाह हमसे माफ़ करके खुश हो जाइए, अल्लाह राजी हो जाइए। अल्लाह इकरारी मुजरिम का तो दुनिया वाले भी लिहाज करते हैं कि इसने अपने जुर्मों का इकरार कर लिया, डर भी कर ली जाए। अल्लाह हमारे साथ भी डर भी वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह कभी भी अपने डर से दूर न फरमाइए, अल्लाह कभी भी खाली हाथ न लौटाइए, अल्लाह कभी भी नफ्स शैतान के हवाले न फरमाइए, अल्लाह कभी भी दुश्मनों के हवाले न फरमाइए, अल्लाह कभी भी ना कदरों के हवाले न फरमाइए, हमेशा अपने सरपरस्ती वाला मामला फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह करम वाला मामला फरमा। अल्लाह तेरी ही निगाहों की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, आप एक निगाह करम फरमाएंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी संवर जाएगी, अल्लाह हमारी आखिरत बन जाएगी। अल्लाह एक निगाह करम फरमा दीजिए, अल्लाह एक मरतबा हमें मोहब्बत की नजर से देख लीजिए, अल्लाह एक मरतबा मोहब्बत की नजर से देख लीजिए। अल्लाह बच्चा जितना भी नाफरमान क्यों ना हो, माँ बाप फिर भी उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वो समझते हैं कि नाफरमान सही लेकिन औलाद तो हमारी है। अल्लाह हम जितने भी नाफरमान सही बनते तो आप ही के रहेंगे ना, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, एक मरतबा मोहब्बत से देख लीजिए। ऐ गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ करने वाले, ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, खाली झोलियों को भर देने वाले, अल्लाह हमने भी दामन फैला रखे हैं, अल्लाह अपनी रहमत वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह एक मरतबा मोहब्बत की नजर से देख लीजिए, अल्लाह हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह हमारी खताएं खत्म हो जाएंगी, अल्लाह बल्कि गुनाह देखिए उन्हें बदल जाएंगे। अल्लाह रहमत फरमा दीजिए, करम वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमें सजदे का सुरूर नसीब फरमा, नमाज पढ़ने का लुत्फ नसीब फरमा, रात के आखिरी पहर में मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा, ईमान हकीकी की हलावत नसीब फरमा। अल्लाह कब तक आपकी नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारते फिरेंगे, अल्लाह सब अपने फरमाबरदार बंदों में हमें भी शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे घरों को सुन्नतों का गुलशन बना।